बाईसेक्शुअुअल एक्टीनोम्फिक ट्यूबुलर, पेंटामेरिस ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिए गए हैं एंड हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड इनकरेक्ट है सो so, इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं सो दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पोजिटिव फैमिली कॉम्पोजिटिव फैमिली जो है उसी को ही हम लोग एस्टेडिव फैमिली भी बोलते हैं दैट इज द रीजन ये दोनों एक ही फैमिली से बात कर रहे हैं हम लोग दैट इज कॉम्पोजिटिव फैमिली नाउ इसके अगर हम स्टेटमेंट वन की बात करें जिसमें बोला गया है कि विद इन द कैपिटुलम देर आर री फ्लोरेट्स एट द सेंटर विच इज सराउंडेड बाय डेस्क फ्लोरेट्स सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट क्यों इनकरेक्ट है देन सबसे पहले हम लोग, so, one, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फैमिली है उसमें कैपिटल या फिर फ्लार का जो हैड होता है दे कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ फ्लोरिट्स सो फॉर स्टेटमेंट वन हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिकली इस फैमिली में टू टाइप ऑफ फ्लोरिट्स प्रेजेंट है एंड नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कौन कौन से फ्लोरिट्स हैं देन दे आर रे फ्लोरिट्स सो so, अगर हम रे फ्लोरेट्स की बात करें देन बोल सकते हैं कि ये फाउंड ऑन दी पेरीफेरी दैट मीन आउटर रीजन में मिलते हैं एंड दे हैव स्ट्रैप शेप्ड जिसका मतलब होता है कि इसी वजह से फ्लावर हेड का जो पेटल लाइक लुक है वो मिलता है हमें नाउ नेक्स्ट फ्लोरेट कौन सा है वो है डिस्क फ्लोरेट्स तो डिस्क फ्लोरेट्स की अगर हम बात करें देन बोल सकते हैं कि दे आर लोकेटेड एन दी सेंटर ऑफ कैपिटल एंड यूजली ये ट्यूबुलर रहते हैं सो so, यहाँ हमें क्या दिया गया है कि रे फ्लोरेट सेंटर में रहता है जबकि ये गलत है डिस्क फ्लोरेट सेंटर में रहते हैं इसीलिए इनकरेक्ट है नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट टू तो स्टेटमेंट टू की अगर हम बात करते हैं देन यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है क्यों बिकॉज डिस्क फ्लोरेट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम लोग बोले कि वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है दैट इज करेक्ट एंड देन ये ब्रैकटेट है जिसका मतलब होता है की दे ऑफेंस उनमें मतलब है कि दोनों मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स उनमें प्रेजेंट रहते हैं साथ ही साथ दे आर एक्टिनोमॉर्फिक जिसका मतलब होता है कि उनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट रहते हैं एंड वो ट्यूब्यूलर होते हैं अलोंग विद पेंटामेरस पेंटामेरस का मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये होता है कि दे हैव फ्लोरल पार्ट्स इन मल्टीपल ऑफ वाइप्स सो so, ये हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके अबाउट दी एस्टोरेसि फैमिली जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट टू है वो करेक्ट है फ्रॉम विच वी कैन कंक्लूड दैट स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट दैट इज ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू